शुरुआत बड़ी खबर से। आफताब न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में पहुंच गया है, वो तनाव रहित वहां दिख रहा है। रात को आफताब ने चैन की नींद ली है, जेल स्टाफ दिन रात उस पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच में कल उसका नार्को हो सकता है, नार्को टेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, वो कल हो सकता है और इसी से जुड़े हुए उसकी मेडिकल जांच भी कल ही हो गई है। तो पहली रात चैन से सोया है, हर वक्त गार्ड की उस पर नजर है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है, पॉलीग्राफ की रिपोर्ट आने के बाद अब नार्को टेस्ट का इंतजार है जिसमें वो अचेत अवस्था में होगा। और पॉलीग्राफ से बिल्कुल अलग एक नार्को टेस्ट जिसमें बहुत कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है, बहुत कुछ खुलासे की उम्मीद है। श्रद्धा केस का आरोपी आफ्ताब 13 दिन की हिरासत पर तिहाड़ जेल में पहुंच गया है और यहां पर भी वो तनाव रहित बेफिक्र दिखा। दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए तनाव के दौर से गुजर रही है, जबकि लॉकअप के तिहाड़ जेल तक यह आफ्ताब तनाव से दूर नजर आ रहा है। कैसे गुजरी जेल में आफ्ताब की पहली रात और कैसे तिहाड़ जेल प्रशासन उसको लेकर अलर्ट पर है, यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। खुद पर अटूट भरोसा करने वाली श्रद्धा की हत्या कर टुकड़े टुकड़े काटने वाला आफ्ताब पूरे 6 महीने तक आजाद रहा। 3 बार पुलिस के सामने गया लेकिन दिल्ली से मुंबई तक की तेज तर्रार पुलिस को गच्छा देकर बाहर आ गया। लेकिन अब उसका ताजा ठिकाना शनिवार से तिहाड़ है, जेल नंबर 4 तिहाड़। कैदी का नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला। जी हाँ, देश के सबसे खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला आफ्ताब 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद आखिर तिहाड़ पहुंच गया। कोर्ट में उसकी पेशी हुई और 14 दिन के पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसको इसी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। तिहाड़ में आफ्ताब, जेल प्रशासन सतर्क, पल पल आफ्ताब पर नजर। हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। दरअसल पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश किया था, जहां अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजते ही आफ्ताब को तिहाड़ के जेल में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से आफ्ताब को जेल नंबर 4 के सेपरेट सेल में रखा गया है। आफ्ताब जैसे कैदी को लेकर पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन तैयार था, उसकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, इसीलिए तिहाड़ जेल ने सारे एहतियाती इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसको अलग सेल में रखा गया है। ये ऐसा सेल है जिसमें उसके साथ कोई कैदी नहीं है। सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो उस पर नजर रखता है। ये वो सेल होती है जिससे कैदी को जल्दी नहीं निकाला जाता। तीसरी आंख यानी कैमरे की भी आफ्ताब पर नजर है। आफ्ताब को खाना देने से पहले भी उसकी जांच की जाती है। कुल मिलाकर आफ्ताब तिहाड़ जेल में कोई गड़बड़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जेल में आफ्ताब की पहली रात आराम से कटी। जेल सूत्रों की माने तो आफ्ताब चैन से सोता रहा। इससे पहले थाने की हवालात में भी वो हर वक्त बेफिक्र सोता रहता था और यही सिलसिला तिहाड़ में भी जारी रहा। आफ्ताब केस की सुनवाई भी शनिवार को खास अंदाज में हुई। पुलिस ने जज से गुजारिश की कि अस्पताल में ही स्पेशल कोर्ट लगाकर सुनवाई कर ली जाए। इस पर जज राजी हो गए और अस्पताल पहुंच गए, जहां सुनवाई के बाद आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला किया गया। सूत्र के अनुसार जानकारी मिली है कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि आफ्ताब को प्रेजेंट करने के लिए अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए। खुद मजिस्ट्रेट यहां पहुंचे, मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ये बात मानी, रिक्वेस्ट मानी और इसी अस्पताल की कैजुअलिटी में खुद मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। आफ्ताब के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है और वहीं पर आफ्ताब को पेश किया जाता है और फिर आफ्ताब को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ही आफ्ताब के नाकू टेस्ट की भी तैयारी कर ली है। सूत्रों के माने तो शनिवार को जब रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का मेडिकल हुआ तो उसमें वो जांचें की गई जो नार्को टेस्ट के लिए जरूरी है। अब देखना ये होगा कि आफ्ताब को नार्को के लिए कब तिहाड़ से बाहर लाया जाता है या फिर तिहाड़ में ही उसका नार्को टेस्ट होता है। हो सकता है कि सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, जहां कई और राज खुल सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी अधूरा रह गया था। आफ्ताब का कई चरण में पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अरविंद ओझा, आज तक।
आफताब के खिलाफ ठोस सबूतों की तलाश में जुटे पुलिस अब उसके सारे दोस्तों से एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं। खासतौर पर आफताब की गर्लफ्रेंड से उसके बर्ताव को लेकर पूछताछ की जा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस उस लड़की तक भी पहुंच चुकी है जो आफताब के साथ में तब संपर्क में आई जब आफताब श्रद्धा का कत्ल करके उसके 35 टुकड़े कर चुका था। देश दुनिया को दहला देने वाले एक मर्डर मिस्ट्री का हर राज खोलने के लिए दिल्ली पुलिस कई शहरों में खाक छान रहे हैं। हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठोस सबूत मिलने का भी इंतजार है। जो सबूत जुटाए हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम भी बाकी है। ऐसे में पुलिस का जोर आफताब के ज्यादा से ज्यादा जानकारों तक पहुंचने का है। हर उस शख्स या लड़के तक पुलिस पहुंच रही है जो आफताब से जाने अनजाने मिला या मिली थी और इसी कोशिश में पुलिस पहुंची है एक ऐसी लड़की तक जो आफताब के बारे में काफी कुछ बता सकती है। पुलिस ने मेहनत करके उस लड़की को आखिर खोज निकाला है। कौन है आफताब की वो दोस्त? उस लड़की से आफताब का क्या रिश्ता था? वो लड़की आफताब का सच जानती है? वो लड़की आफताब की पोल खोल देगी? असल में आफताब डेटिंग ऐप बंबल का इस्तेमाल करता था जिसके जरिए उसने कई लड़कियों को दोस्त बनाया था। उसने डेटिंग ऐप से कांटेक्ट में आए एक लड़की को अपने घर पर बुलाया था। पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद जब आरोपी आफताब ने टुकड़ों को फ्रिज में रखा था तो वो लड़की घर पर आई थी। ये लड़की पेशे से साइकोलॉजिस्ट है। ये लड़की इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जिस कमरे में वो आफताब के साथ है उसी के कोने में रखे इस फ्रिज में एक लड़की के शव के टुकड़े पड़े हैं जो इस दरिंदे की पहले ही शिकार हो चुकी है। इस लड़की से पुलिस पूछताछ कर चुकी है और माना जा रहा है कि उसने आफताब के बारे में कुछ अहम सुराग भी दिए हैं। पुलिस को इस लड़की की तलाश करने में थोड़ी दिक्कत आई लेकिन आखिर पुलिस को उसका पता मिल गया और उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग भी किया। मुंबई में भी दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार श्रद्धा केस के सबूत तलाश रही है। यहाँ पुलिस ने आफताब की दोस्तों से पूछताछ की। इनमें दो लड़कियां भी शामिल हैं जो आफताब के संपर्क में आई थी। वैसे क्राइम ब्रांच में दिल्ली पुलिस ने दो लड़कियों और एक लड़के को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था जिसके बाद ये तीनों पहुंचे थे। करीब दो घंटे तक इन सभी का बयान दर्ज करने के बाद इन्हें जाने दिया गया। हालांकि इन लड़कियों ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा। आफताब के बारे में उनकी महिला दोस्त के बयान सबूतों की कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित होंगे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो एमसीडी चुनाव है और चुनावों से पहले सियासी घमासान जोर पकड़ रहा है, खूब प्रचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी प्रचार कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी इसी कड़ी में प्रचार। उसका मूल कारण है कि यहां जो आपने सरकार बैठाई है वह सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। आप कहोगे कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 32,000 करोड़ रुपए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का देने से इनकार किया। उसके बावजूद भी 13,000 कर्मचारियों को म्यूनिसिपल एमसीडी ने पक्का किया, रेगुलराइज किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। यह बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा हम कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे कट्टर ईमानदार निकले कि शराब के ठेकेदारों का 2% का कमीशन 12% पहुंचा दिया और 12% में से 6% खुद ले लिया। आप बताइए, केजरीवाल कहते थे कि नहीं कहते थे कि मैं शराब के ठेके बंद करूंगा? कहते थे कि नहीं कहते थे? आपके मोहल्ले में ठेका खुलवा दिया कि नहीं खुलवा दिया? घर घर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? यानी जो कहते थे उसके खिलाफ काम। आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? 6 महीने से जेल में है कि नहीं है?
कहते थे हम सारे ईमानदारों को टिकट दे दिए। आप बताइए अमानुल्लाह खान जेल में है कि नहीं है? किस लिए है? दंगे कराने के लिए। किस लिए है? दंगे कराने के लिए। आप बताइए ये ताहिर जेल में है कि नहीं एक साल से? किस लिए है? ये दंगे कराने के लिए। और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के लिए अंदर है कि नहीं है? 6 बार बेल मांगी कि नहीं मांगी? बेल नहीं मिली। ये बताता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ जुड़ गए। आप बताइए इन्होंने स्वास्थ्य की सेवा अच्छी की कि नहीं की? नहीं की। अरे तिहाड़ जेल में इन्होंने मसाज सेंटर खोल दिया। तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया और शिक्षा का इतना विकास किया कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? आप बताइए कि है? एक पैसा का काम नहीं किया। गुप्ता विधायक जो है आम आदमी, उसको जवाब देना अगले बार, लेकिन अभी तो योगेश वर्मा को और पूनम भारद्वाज को जिता के भेजना। दिल्ली पुलिस को देश के सबसे तेज और स्मार्ट पुलिस माना जाता है, लेकिन देश के सबसे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में पुलिस भी हक्का बक्का है। आफताब के भूल भुलैया वाली कहानी ने स्मार्ट पुलिस को भी गुमराह कर दिया। अब तक जुटाए गए सबूतों से दिल्ली पुलिस की राह कितनी मुश्किल है, रिपोर्ट में आप देखिए। दो हफ्ते तक दिल्ली पुलिस ने शहर शहर की खाक छानी। जमीन से लेकर समंदर तक को खंगाल डाला। जंगल जंगल पुलिस की टीमों ने श्रद्धा मर्डर केस के ठोस सबूत जुटाने की कोशिश की। पहाड़ों तक का सफर तय किया। झीलों के आसपास नजर दौड़ाई। दर्जनों लोगों को बुलाकर पूछताछ की। और उधर एक शातिर है जो पुलिस के लॉकअप में चैन की नींद सो रहा है। इतना तो साफ है कि आफताब अमीन पूनावाला बेहद ही शातिर शख्स है जो पुलिस को गच्चा दे रहा है, माइंड गेम खेल रहा है। वो लॉकअप में सोता था और अब तिहाड़ में भी बेफिक्र नजर आ रहा है। तो क्या पुलिस इस शातिर मुजरिम के आगे कमतर साबित हो रही है? उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक नहीं मिले ठोस सबूत। कोर्ट में केस साबित करने में होगी दिक्कत। दर्जनों टीमों की मेहनत कब रंग लाएगी? स्मार्ट दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे से लेकर ऋषिकेश और कुल्लू तक इस केस की पड़ताल की है। ये काम अब तक जारी है। इस बीच आफताब न्यायिक हिरासत में पहुंच चुका है। पुलिस सबूतों के लिए जूझ रही है। आफताब कितना शातिर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने पुलिस को रुला दिया। कई सवालों पर चुप रहा, कई सवाल टाल गया, आधे अधूरे जवाब दिए, मुस्कुराता रहा, तनाव रहित दिखा। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी हद तक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आफताब के बाथरूम से कुछ खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा कुछ हड्डियां मिली हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है। तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि इतने दिनों में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलावा जगह जगह पर जो छानबीन की है उससे दिल्ली पुलिस को क्या कुछ हासिल हुआ है। अब पुलिस की सारी उम्मीदें नार्को टेस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस टेस्ट में किसी शख्स को ऐसा नशा या दवाइयों का इंजेक्शन दिया जाता है कि उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता और ना चाहते हुए भी उसको सारा सच उगलना ही पड़ता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सिर्फ शरीर में जवाब देते वक्त आए बदलाव पर नजर रखी जाती है,
लेकिन नार्को में टेस्ट का सामना कर रहा शख्स करीब करीब आधी बेहोशी में रहता है। अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज इज रियली पावरफुल विच कैन रियली टेक आउट द ट्रूथ फ्रॉम योर माइंड। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाए। पुलिस को अभी आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए कई सबूत तलाशने होंगे। जिन सबूतों से सबसे बड़ी मदद मिल सकती थी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इनमें शामिल हैं श्रद्धा का सिर, बॉडी के सारे टुकड़े और इनकी डीएनए रिपोर्ट, आरी जिससे खत्म किया गया था, श्रद्धा के कपड़े जो खत्म के वक्त पहने थे, और सबसे खास है श्रद्धा का मोबाइल जिसमें आफ्ताब के खिलाफ सारे सबूत हो सकते हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला को फिलहाल 13 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस का यहां पर कहना है कि साइंटिफिक टेस्ट जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रोडक्शन वारंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस वो प्रोडक्शन वारंट लेगी और अधूरे टेस्ट को पूरा कराएगी। पुलिस अब दिल्ली और गुरुग्राम के जंगलों से बरामद शव के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट का ही सीएफएसएल से इंतजार कर रहे हैं। इनका श्रद्धा से मैच हो भी जाता है तब भी ये आफ्ताब के खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।